कैसे हैं आप सब लोग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल मीरास ब्लॉग्स। और अभी इवनिंग को ही मैंने मेरी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पता ही है ना मेरा कंपनी स्टार्ट हो गया है, तो इवनिंग को ही मुझे टाइम मिलेगा ब्लॉग करने के लिए। तो मैंने आ गई थी कंपनी से, आने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ और आप लोगों के साथ आ गई बात करने के लिए। इधर मैं ना एक क्लिप लगाई हूँ, आप लोग देखते हैं। ये वाला क्लिप ना मेरे शादी में मिला था मुझे, उस ससुराल से आता है ना वो सभी मेकअप किट वगैरह उसके साथ ही था, तो मुझे आज मिला तो मैंने लगा ली इधर। कैसे लग रही हूँ। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन का चूड़िया तो है, हरियाली चूड़िया साथ में। और अभी मुझे ना काम है, ये कुछ कपड़ा आयरन करना है, वो कर लूँगी। उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ एक अच्छा वाला चीज़ लेके, ठीक है। आप लोग देखिए वीडियो पूरा। और मेरे चैनल को अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो पटापट करके मैंने आयरन कर लेती हूँ कपड़ा सभी, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से एक सरप्राइज लेके। तो मैंने आयरन करने के लिए बेड का ऊपर चढ़ गई, क्योंकि इधर ही एक प्लेस है अच्छा वाला जहाँ पे बैठ के ये कर सकते हैं, आयरन कर सकती हूँ। और कहाँ पे भी फ्लैग नहीं है, सभी ऊपर ऊपर है, नीचे तक नहीं आएगा आयरन का ही, तो इसीलिए। गाइस, मैंने आ गई आप लोगों के सामने मेरी दुकान लेके इधर। तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो सरप्राइज बोल रही थी वो शेयर करने वाली हूँ। तो अगले वीक तो आ रहा है, 3 अगस्त है राखी। तो राखी में अभी तो बाहर लॉकडाउन चल रहा है, तो राखी हम कहाँ से खरीदेंगे? तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बट इससे बेटर है कि खुद का हाथों से बना ले राखी, है ना। तो घर में जो चीज़ें होता है, जिन लोगों को इंटरेस्टेड है, वो तो आराम से ही घर पे बैठ के बना ले सकते हैं ना राखी। और एक बात है, मैं तो राखी में घर नहीं जा सकती, मेरे भाई को राखी बांध नहीं सकती हूँ, बट उसके लिए राखी में बना सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब जाऊँगी मैं लेके जाऊँगी और बांधूंगी। कुरियर कर सकते हैं, बट इस टाइम पे कैसे कुरियर जाएगा मेरा, उधर जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने खुद का हाथों से ट्राई करूंगी। तो मैंने सब कुछ लेके इधर बैठ गई हूँ, देखिए, बट मैं सब कुछ ऐसे नहीं दिखाऊंगी, पूरा इधर पूरा सब कुछ डाला हुआ है। और मैंने उलन भी ले ली हूँ, मैं बहुत सारा मैं बना के दिखाऊंगी। जैसे एक उलन का फ्लावर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे रखी, और एक मैंने राखी बनाई ऑलरेडी, मैंने ट्रायल के लिए बनाई थी। तो ये है ये वाला राखी, देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने सिल्क थ्रेड से बनाई हूँ ये वाला राखी, वाला मैं बनाई हूँ। तो ऐसा टाइप में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिफरेंट डिफरेंट राखी कैसे घर में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक उलन का फ्लावर ली हूँ, तो छोटा वाला फ्लावर बनाई हूँ, तो ऐसा फ्लावर बना के भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ राखी। तो होममेड राखी बना के दिया तो अच्छा लगता है ना, खुद का फील होता है ऐसे। जैसे मैं बड़े भैया को बांधने वाली हूँ, तो मुझे मेरे भाई के लिए, बड़े भैया के लिए, फिर मेरा बुआ का बेटा लोग हैं उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बनाना है, ठीक है। तो इस बार मैंने खुद से ही सभी बनाऊंगी, तो इसीलिए चलिए देख लेते हैं एक एक करके कैसे होता है, ठीक है। मैंने पहले आपको इस टाइप का जो राखी बनाई हूँ ना सिल्क थ्रेड का, वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली हूँ, मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है। तो इसको पहले ऐसे सिल्क थ्रेड को ऐसे एक ब्रांच की तरह छोटा वाला ब्रांच बना लेंगे, इसको कट कर दें। तो इस टाइप का कुछ बनेगा, इसमें दोनों साइड में गम लगा के कर देंगे सिक्योर, और दूसरा साइड में भी। तो ऐसे ना मैंने एक अलग का भी बना लूंगी और एक अलग का भी बना लूंगी,
एक्चुअली मैं राखी बनाने गई तो मेरे पति जी ने मुझे सजेशन देने लगे, तो अच्छा है सजेशन तो मैं वो कर रही हूँ। तो मैं क्या क्यों बताई, एक बड़ा मुत्तू ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग बड़ा मुत्तू को मैंने एक धागे में ऐसे तीन धागा मैंने बना लिया, देखिए एक कलर एक कलर एक कलर, तो इसमें मैंने मिडिल में बड़ा मुत्तू डाल लिया। तो अभी क्या करूंगी, ये एक ऐसे दो मुत्तू लूंगी बड़ा बड़ा, तो दो मुत्तू को ना तीनों में डालूंगी, ए ए ए एक साइड में डाल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं, मतलब ए डालती हूँ तीनों में डालती हूँ, ओके एक दो, ओ सॉरी 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 इसी में डालना है, हाँ एक्चुअली खुद का मन से जब बनाने जाते हैं ना तो बहुत सारा आइडिया आता रहता है, मैंने ये सभी पहले से प्रैक्टिस नहीं की हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इधर मैंने तीनों में ए मुत्तू डाल ली हूँ, तो इसको मैंने अभी इधर इधर कर लूंगी, तो ऐसे सेम मैंने इस साइड में भी डालूंगी एक मुत्तू ए वाला, मेरे को थोड़ा मैंने आगे ले ली हूँ आप लोगों को अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए मैंने ऐसे कर ली हूँ, एक मिडिल में डाली थी, बाद में तीनों में ये डाल के मैंने एक साइड में कर ली हूँ और सभी को इसका नीचे दे रही हूँ, ठीक है ये। अभी मैं क्या करूंगी, अभी जो ये छोटा वाला मुत्तू है और ये इस टाइप का जो है ना वाइट कलर एंड गोल्डन कलर का मुत्तू है, तो इसको मैंने ना एक एक में डालूंगी, कैसे डालती हूँ आप लोग देखिए, एक साइड वाला में मैंने गोल्डन डाल दिया और सेंटर वाला में मैं डालूंगी व्हाइट और फिर साइड इस साइड वाले को मैं डालूंगी गोल्डन। तो कैसे बनेगा देखिए, तो मैंने इधर भी डाल लेती हूँ, अच्छे इस साइड में मैं डाली, इसमें तीन तीन डालना है तो अच्छे दिखेगा मुझे लगा, तो मैंने डाल लूंगी, देखिए मैंने डाली हूँ ये साइड मुझे लगता है ना, और एक ए डालना पड़ेगा गोल्डन कलर, और एक गोल्डन कलर डालना पड़ेगा इस साइड में, तो सेम मैंने इस साइड में भी कर लूंगी, मैं दोनों साइड में बना ली हूँ ऐसे। तो बाद में क्या करेंगे, और दो गोल्डन कलर का मुत्तू ली हूँ, इस साइड में तीनों में, इस साइड में तीनों में डाल देंगे, पिन का यूज कीजिए और इसको इस साइड में खींच लीजिए। तो अभी ये मेरा राखी रेडी हो रहा है, इधर मैंने ना ये गांठ मार ली, ठीक है ऐसे इस साइड में भी मैं गांठ मारूंगी एक, तो मुत्तू जो है ना वो सिक्योर हो जाएगा। और मेरा राखी है कुछ इस टाइप का, ये हाथ में बांधते टाइम पे ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये था मेरी सिल्क थ्रेड का राखी, तो ये जो थ्रेड है ना इस साइड का हम ऐसे बेली टाइप का बना दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, ऐसे ही छोड़ू इसको, बेली करूँ,
कि ये मैंने वेणी कर लिया, अभी फिर मैंने इसको यहाँ पे गांठ बांधूंगी। ऐसे इसको इस साइड में छोड़ देंगे, इस साइड में भी सेम करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए मेरा राखी बनके रेडी है। ये बांधते टाइम पे ना ऐसे हाथ में बैठ जाएगा आराम से। कैसे हुआ कमेंट में बताइए जरूर, ठीक है। तो मैंने दूसरा में जाती हूँ, दूसरा में जा रही हूँ ये उलन का राखी। ये आप बेबी लोगों के लिए आराम से बना के दे सकते हैं इसको। मैं अभी बनाऊंगी उलन का, जो बनाऊंगी तो उलन का फ्लावर ली हूँ, और डोरी जो बनाऊंगी ये उलन ले ली हूँ नीचे से, थोड़ा सा व्हाइट कलर तो अच्छे दिखेगा। और इसका नीचे मैं ये पेपर छोटा सा करके कट कर ली हूँ, तो इसको मैंने चिपका लेती हूँ पहले। ये राखी का बेस हो गया रेडी, इधर थोड़ा गम सूखने के लिए टाइम लगेगा। तो मैंने ऊपर डालूंगी ये वाला स्टिकर है मेरे पास, ठीक है, ये बॉय वाला स्टिकर है ना ये वाला, तो मैंने ये डालूंगी इधर ऐसे करके, तो ये चिपक जाएगा आराम से। इसका गम है तो चिपक गया। तो इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये बॉय स्टिकर चिपकाने के बाद मैंने ये दो साइड में ना ये बड़ा बड़ा दो मुट्ठू है उन्हें डाल दूंगी मैं। इसको पहले गांठ मार दूंगी इधर इस साइड में, बाद में तो वो अंदर चला जाएगा। तो पहले इधर गांठ मारना है, हम डालेंगे और बाद में फिर एक गांठ मार देंगे। तो सेम मैंने इस साइड में भी कर लूंगी। क्यूटेस्ट राखी बन के रेडी हो गया है, वाओ कितना मस्त लग रहा है, बेबी लोगों के लिए ना मस्त है ये वाला राखी। टाइप का मैं बना रही हूँ वो है, मैंने ये जो पेपर में एक स्टिकर ऐसे वाला स्टिकर होता है ना, ये वाला स्टिकर मैंने लगा ली हूँ इसमें, और मिडिल में मैं डालूंगी ये गोल्डन कलर वाला। ये डाल दिया मैंने मिडिल में, और इसका चारों साइड में मैं डालूंगी वो जो चेन रहता है ना स्टोन का चेन, ये वाला मैं डालूंगी। मैंने इसे बना ली हूँ और इसको मैंने ये रेड कलर का उलन ली हूँ इसमें चिपकाऊंगी। तो पहले इसका नीचे वाला एक ली हूँ मैंने पेपर, तो इसमें पहले चिपका दूँ। बाद में ऊपर से मैंने इसको चिपकाऊंगी। तक सेम मैंने इस साइड में भी एक गांठ डाल लूंगी। साइड इस साइड में गांठ मार ली हूँ, और अभी मैं डालूंगी एक व्हाइट कलर का मुट्ठू। देखिए और एक राखी बनके मेरी रेडी है, और इस साइड में गांठ मारूंगी। तो मेरा इधर राखी मैंने अब एक बना के रखी थी और तीन बना के आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट में कैसे हुआ राखी। ये देखिए ये दोनों है सिल्क थ्रेड का, और ये दोनों ये है उलन का, और ये है उलन एंड मेरा डेकोरेटेड स्टिकर एंड स्टोन चेन। तो हे गाइस आप लोगों को कैसे लगा मेरी राखी, मैंने इतना गर्मी लग रहा था तो बाल ऊपर बांध ली। तो ये सभी मैंने खुद ही बनाई आप लोगों के सामने, आप लोग देखें तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कैसे लगा, और आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा घर में ऐसे बनाने का। तो घर में आप जितना बना सकते हो उतना अच्छा है, बाहर से ना लाए तो ये अच्छा है ना। अभी लॉकडाउन टाइम है, कोरोना टाइम है, तो खुद से बना लिया तो अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छे लगे तो, और अच्छे से रहिए। तो फिर टेक केयर, टाटा, गुड नाइट।